पे ये एक रोड बना दिया है मैंने। दिखाओ इसको पकड़ सको। तो फोकस से क्लियर नहीं हो रहा। चॉकलेट बनाई है मुझे ऐसा लग रहा है चॉकलेट बनाई है ना मेरी। माँ ये ना ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लीमू और इसके बीज बनाए हैं। ये अल्लाह ताला ने बनाया है बेटा। बोले नहीं आज चुप करके बनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं खामोशी से ये वीडियो बना रही थी और मेरे बच्चे कह रहे कि मुझे आप बोल के बनाएं जी। तो आज ये स्ट्रॉबेरी का सीज़न है और ये कैसे हो कि स्ट्रॉबेरी आए और इसको एंजॉय ना किया जाए, इसके बगैर तो ये सीज़न बाहर का अधूरा लगता है। तो मैंने इसकी स्मूदी बनाई इसका वो, अब हम इसका होममेड लेमोनेड बनाने लगे हैं। इसको आपको मैंने स्टोर करने का तरीका भी बताया, तो इसके सब सीड अलग कर लेते हैं। जिन जिन हमने पहले लीमू को अच्छे से धो लिया था, मैंने वॉश कर लिया, फिर उसको गर्म पानी में थोड़ी देर रखा ताकि उसकी जो डस्ट है कोई ऊपर मेडिसिन है कुछ भी उसका वो ख़त्म हो जाए। छिलकों पर से कोई वैक्स भी लगी होती है अक्सर लीमू पे, उसकी चमक के लिए लगाते हैं तो वो सारे रिमूव हो जाए डर्ट वगैरह सारी, तो थोड़ी सी कड़वाहट भी इस तरह छिलकों की निकल जाती है। अभी हम स्ट्रॉबेरी इसको धो लिया, धो के इसको ज़रा टिशू से साथ थोड़ा सा इसको टैप कर लें ताकि एक्सेस वाटर निकल जाए ना, इसका थोड़ा सा हो जाए। ये होममेड लेमोनेड बहुत ही यमी लगता है, बाज़ार से भी ये तैयार मिलते हैं आपको बॉटल्स में इंपोर्टेड आते हैं तो, लेकिन ये घर पे ज़्यादा अच्छा और इजी और सस्ता पड़ता है, ये चीप होता है लेकिन मज़े का बहुत लगता है। जो गर्मियों में मशरूबात के आदी हैं जिनको बहुत पसंद है ये मीठे मशरूम पीना और खट्टे मीठे, ये बहुत यम्मी खट्टा मीठा सा मशरूम बनता है। कहाँ
Gracias.